नमस्कार दोस्तों, मैं निखत बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। क्या आपके हाथों में अचानक से छोटे छोटे पानी वाले दाने निकल आते हैं? ये दाने क्यों होते हैं और इसका क्या कारण है, चलिए आज हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। ये समस्या अधिकतर बारिश के मौसम में होती है। हाथों में लाल छोटे छोटे पानी वाले दाने जिस पर खुजली होती है, यह आपकी हाथ और पैरों की उंगलियों पर नजर आने लगते हैं। इसमें एक पस भरने लगता है जिसमें कई बार दर्द भी होता है। यह कई कारणों से भी हो सकता है जिसमें खुजली, इन्फेक्शन आदि जैसे कई स्थितियां जिम्मेदार होती हैं। इनमें कई बार खुजली होती है मगर स्थिति गंभीर हो तो दर्द का सामना भी कई लोगों को करना पड़ता है। हाथ के फफोले के प्रकार। फफोले का नाम आमतौर पर उनके कारणों के नाम पर रखा जाता है। इसके तीन मुख्य कारण हैं: बर्न ब्लिस्टर, कोल्ड ब्लिस्टर और फ्रिक्शन ब्लिस्टर। इन ब्लिस्टर के होने का क्या कारण है? हाथों पर छाले होने के कई कारण हो सकते हैं। इनमें फ्रिक्शन, एंजाइमा, इन्फेक्शन, डायबिटीज की बीमारी आदि कारण शामिल हैं। ड्रास्टिक एंजाइमा। आपके हाथों पर फफोले एक त्वचा की स्थिति के कारण हो सकते हैं जिसे एक्जिमा कहा जाता है। इस स्थिति वाले लोगों को हाथों की हथेलियों और उंगलियों के किनारों पर छोटे खुजली वाले छाले दिखाई देंगे। फफोले आपके पैरों के तलवे पर भी दिखाई दे सकते हैं। इस स्थिति का कोई इलाज नहीं है। यह आते हैं और 2 से 3 सप्ताह के भीतर साफ भी हो जाते हैं। फ्रिक्शन। अगर किसी खराब फैब्रिक या अन्य किसी वस्तु से त्वचा का फ्रिक्शन होता है तो भी छाले या फफोले पड़ सकते हैं। कई बार बिना दस्ताने के घर के काम करना, बर्तन धोना आदि के कारण भी ऐसा हो सकता है। ठंडा। जी हाँ, अत्यधिक ठंड से आपकी हथेलियां, उंगलियां और फोरआर्म्स पर छाले पड़ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति कई घंटों तक ठंड के संपर्क में रहता है तो उंगलियों के पीछे और किनारों पर चिल बैलेंस दिखाई देते हैं। ये खुजली वाली लाल सूजन केवल गंभीर मामलों में ही फफोलों में विकसित हो सकते हैं। इरिटेशन। कुछ केमिकल या एलर्जी के संपर्क में आने पर त्वचा में छाले हो सकते हैं। अध्ययन में पाया गया है कि निकेल युक्त खाद्य पदार्थ से भी किसी को एलर्जी हो सकती है और इसके कारण हाथों में फफोले हो सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।